हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी हेल्थ टिप्स फॉर यू। आज के हमारी जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे पास है ये जो है ग्रीन स्टिक मार्क्स, जिसकी शॉर्ट वीडियो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या तो यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो पर ज़रूर देखे होंगे। बहुत ही वायरल हो रहा है आजकल ग्रीन स्टिक्स मार्क्स की वीडियो, और बहुत सारे यूट्यूबर इसे रिव्यू भी कर चुके हैं। मैंने भी पहले रिव्यू कर चुका, इसके डिटेल्स मैंने बताया, लेकिन ये मेरे पास पहले नहीं थे, तो मैंने इसे अमेज़न से मंगवाया। आज मैं खुद इसे यूज़ करूँगा अपने फेस पर, इसके लाइव जो रिजल्ट है वो भी मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग के ऊपर ये जो यूजेस है, इसकी यूजेस इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि पहले आपकी जो फेस है उसे आप टिश्यू से या तो पानी से साफ कर लो, वॉश कर लो, उसके बाद आप इसे अप्लाई करो, 15 मिनट तक वेट करो, उसके बाद आप टिश्यू से पोंछ लो या तो पानी से धो सकते हो, ठीक है। तो पूरे इंस्ट्रक्शन इसमें बताए दिए गए, तो आज हम इसे लाइव यूज़ करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करो। तो गाइस, मैं पहले से अपनी फेस को वॉश करके रखा है, अब इसको लगाने की बारी आ चुका है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। यही है आपके ग्रीन स्टिक मास्क जो इतना वायरल हो रहा है, यही है ग्रीन स्टिक मास्क। तो इसको खोलने पर एक शील्ड आता है इसके ऊपर, गार्ड करके रखा है इसको, तो हम इसको उतार देते हैं। तो सच कहूँ तो इसकी जो स्मेल है, थोड़ा ग्रीन टी जैसा स्मेल है इसको, तो और लिपस्टिक जैसा ऊपर आता है ऐसा। तो इसको हम सीधा सीधा अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि इसकी सच में रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है। तो हम इसे अप्लाई कर लेते हैं, और इसको अप्लाई करते वक्त तो हाथ की ज़रूरत नहीं, मतलब इसे हाथ से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद आप इसे ऐसे पकड़ के लगा सकते हो आसानी से। ये बहुत ही अच्छे है, पर मैंने पूरे फेस पर लगा दिया। आप सिर्फ आई की जो एरिया है उसे छोड़ के पूरे फेस पर लगा दिया। आप इसे 15 मिनट तक वेट करते, 15 मिनट तक अच्छे से सोखने देते, देखते हैं इसकी जो रिजल्ट है वो कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो 15 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, 15 मिनट के आके देखता हूँ कि इसके रिजल्ट कैसा आता है। तो गाइस, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट के बाद हमें इसे क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वाइप्स की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सामने क्लीन करूँ ताकि इसकी जो रिजल्ट वगैरह है वो आपको भी दिख जाए। लेकिन एक खास बात है, ब्लैक हेड बाहर नहीं है। आप देख पा रहे हो कि इसकी जो मेन थीम है, इसकी जो मेन हाईलाइट है प्रमोशन की, जो ब्लैक हेड बाहर आ जाता है, लेकिन एक भी ब्लैक हेड बाहर नहीं आया है, और एक क्लीन बहुत अच्छे से हो रहा है। ये बात बहुत ही अच्छी है, क्लीन अच्छे से। क्लीन के लिए बहुत ज़्यादा पेशाब करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सिर्फ एक एक बार में क्लीन हो जा रहा है। तो गाइस, मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद एक चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान में आ जाएगा कि मेरे फेस की जो ब्राइटनेस वो थोड़ा बढ़ गई है, थोड़ी बहुत ब्राइटनेस बढ़ गई है। लेकिन ग्रीन स्टिक मार्क्स जो बेसिकली ये प्रमोशन करता है कि ये ब्लैक हेड्स को बाहर निकालते हैं, एक भी ब्लैक हेड्स अंदर नहीं छोड़ता है, ब्लैक हेड्स को चुन चुन के बाहर निकालते हैं। लेकिन ब्लैक हेड्स एक तो बाहर नहीं है, इसकी नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसकी पॉजिटिव पॉइंट है जो अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल गया, वो है ये लगाने के बाद मेरी गोरापन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेरी फेस की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक्नेस वगैरह की बात करें तो मेरी यहाँ पर एक छोटा सा एक्नेस था पहले, देखे होंगे, लेकिन इसको लगाने के बाद वो और भी छोटा हो गए, और छोटा हो गए, लगता है एक्नेस पर भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसकी जो रिज़ल्ट की बात किया जाए, ये ब्लैक हेड्स के ऊपर उतना अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन ये एकदम बेकार भी नहीं है। मैं इसे एकदम बेकार नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरी एकदम लाइव यहाँ पर छोटा सा एक एक्ने था, लेकिन वो और भी छोटा हो गया। दूसरी बात, फेस की लाइटनिंग बहुत बढ़ गई है, फेस की लाइटनिंग के ऊपर ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ये लगाने के बाद जो फील आता है वो बुरे नहीं है, अच्छे फील ही है, और इसके स्मेल भी अच्छे हैं। तो गाइस, ये थी मेरी आज की लाइव डेमो जो ग्रीन स्टिक्स मार्क्स के ऊपर था। लेकिन ये मार्क्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, एक चीज़ की ये इंस्टेंट गोरापन आ गए मेरी फेस पर, इंस्टेंट लाइट आ गए। लेकिन शायद ये जो बुला ये नहीं कर पाए वो है
ब्लैकहेड्स को बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम किया लाइटनिंग के ऊपर, फेस के लाइटनिंग बढ़ाया और एक्नेस के ऊपर भी मुझे लगता है अच्छे से काम करेगा। तो ग्रीन स्टिक्स मास्क अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर सिंपली उसे बाई कर सकते हो। तो ये थी मेरी लाइव डेमो, एक कैसा लगा आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें।